गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। नमस्ते बच्चों। नमस्ते। कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना? यस। गुड मॉर्निंग। मैं अंजू शुक्ला, आपकी हिंदी की शिक्षिका। आज आपको हिंदी विषय में सुखी परिवार के बारे में बताऊंगी। ठीक है, आप लोग अपनी बाल भारती किताब का पेज नंबर 69 खोल लीजिए। सब लोग बच्चे पेज नंबर 69 खोलिए। खोले टीचर। चलिए अब हम लोग अपने क्लासरूम में चलते हैं। ये देखो बच्चों, आज का सुविचार है मेहनत का फल मीठा होता है। इसका मतलब जानते हैं आप लोग? जो लोग मेहनत करते हैं वो अवश्य ही अपने जीवन में सफलता पाते हैं। आप लोग भी मन से पढ़ाई करते हैं, आप लोग भी अच्छे नंबर से क्लास में फर्स्ट आते हैं। इसलिए सभी लोगों को अपने अपने कार्य में मेहनत करनी चाहिए। आज की तारीख क्या है बच्चों? 8 तारीख है। दूसरा महीना फरवरी का महीना चल रहा है और सन 2021 चल रहा है। आज का दिन कौन सा है बच्चों? फ्राइडे। शुक्रवार। हाँ, फ्राइडे। हम लोग हिंदी विषय में पाठ 7 सुखी परिवार पढ़ेंगे। ये देख रहे हैं बच्चों आप लोग, स्क्रीन पे दो चित्र दिख रहा है। ये चित्र देख रहे हैं, इसमें कितने सारे बच्चे दिख रहे हैं? ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं ना? यस। इसमें ये पूरे, हाँ, ये माता पिताजी हैं, ये माता जी, ये पिताजी हैं, और बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। और इसमें ये माता जी है, पिताजी है, और चार दो बच्चे। इसमें दो बच्चे दिख रहे हैं, इसमें चार बच्चे दिख रहे हैं। तो ये बड़ा परिवार है, ये बड़ा परिवार है, और ये छोटा परिवार है। अब देख रहे हैं आप, ये परिवार अस्त व्यस्त दिख रहा है। दो बच्चे देखो इधर झगड़ा कर रहे हैं, किसी बच्चे के शरीर पे इस पे देखो कपड़ा नहीं पहना है, ये बच्चे भी कपड़े नहीं पहने हैं। बड़ा परिवार है, सबकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। और इसमें देखिए छोटा परिवार है, घर भी व्यवस्थित दिख रहा है, बच्चे भी व्यवस्थित दिख रहे हैं। अब यहाँ लिखा है छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। आप लोगों ने
अपनी बुक का पेज नंबर 69 खोला है ना? यस। अब ये लिखा है वाचन, पढ़ो समझो और बताओ। सुखी परिवार, बोलिए मेरे साथ साथ, आप लोगों को ही बोलना है। सुखी परिवार, सुखी परिवार। हाँ, सब लोग अपना माइक ऑन कर लीजिए और मेरे साथ आप भी बोलेंगे। एक बाग में, एक बाग में आम और हम और महुआ के पेड़ पर आस पास थे। आम का और महुआ का पेड़ पास पास थे। आम के पेड़ पर मिनी चिड़िया का घोंसला था। किसका घोंसला था? मिनी चिड़िया का घोंसला था। आम के पेड़ पर मिनी चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में दो बच्चे थे। मिनी चिड़िया के घोंसले में कितने बच्चे थे? दो बच्चे थे। मिनी चिड़िया बाहर से भोजन लेकर आती और दोनों बच्चों को खिलाती थी। मिनी चिड़िया बाहर से भोजन लेकर आती और अपने दोनों बच्चों को खिलाती थी। दोनों बच्चे चूं चूं करके बड़े प्रेम से आते थे और घोंसले में आराम से खेलते सोते थे। मतलब मिनी चिड़िया के जो दो बच्चे थे, दोनों चूचू करके प्रेम से भोजन करते और आराम से खेलते सोते थे। वे सब बहुत सुखी थे। कौन सुखी थे? मिनी चिड़िया के जो दो बच्चे थे वे बहुत सुखी थे। महुआ के पेड़ पर किन्नी चिड़िया का घोंसला था। महुआ के पेड़ पर किसका घोंसला था? चीनी चिड़िया। आम के पेड़ पर किसका घोंसला था? मिनी चिड़िया का। उस घोंसले में चीनी के चार बच्चे थे। चीनी के कितने बच्चे थे? चार बच्चे थे। चीनी जब चारा लेकर आती तो चारों बच्चे चू चू करके खाते ची ची चू चू ची ची
चूचू चीची करके करके शोर मचाते शोर मचाते चीनी चिड़िया चीनी चिड़िया सबकी चोंच में भोजन डालती बचारों के पेट नहीं भरते थे पेट नहीं भरते थे दिन भर वे चारों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। क्यों लड़ते झगड़ते रहते थे? क्योंकि उनका पेट नहीं भरता था, वो भूखे रहते थे, तो आपस में दिन भर वे लड़ते झगड़ते रहते थे। चीनी चिड़िया का परिवार बहुत छोटे थे, दुखी रहता था। अब देखो, मिनी चिड़िया के तो दो बच्चे थे, तो उनका आराम से पेट भर जाता था और वो प्रेम से घोंसले में आराम से खेलते सोते थे और वो बहुत सुखी थे। लेकिन जो चीनी चिड़िया थी, उसके चार बच्चे थे, तो उनका पेट नहीं भरता था और वो दिन भर उनका पेट नहीं भरता था, तो आपस में वे लड़ते झगड़ते रहते थे और चू चू चीची करके शोर मचाते रहते थे, इसलिए वो दुखी रहते थे। अब आगे देखिए, अभी आपने जिस पाठ का वाचन किया है उसमें जो चित्र आए हैं उन चित्रों का नाम बोलो। अभी आपको किसका पेड़ दिख रहा है? आम का पेड़। आम का पेड़, और आम के पेड़ पे कौन चिड़िया रहती थी? मिनी चिड़िया। आम के पेड़ पे मिनी चिड़िया रहती थी। और ये किसका पेड़ दिख रहा है? महुआ का। ये देखिए, महुआ के फल भी लगे हैं, तो ये महुआ का पेड़ है। और महुआ के पेड़ पे कौन चिड़िया रहती थी? चीनी चिड़िया। ये देखिए, ये कौन है? मिनी चिड़िया। मिनी चिड़िया के कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। मिनी चिड़िया के दो बच्चे हैं। और ये कौन सी चिड़िया है? चीनी चिड़िया। इसके कितने बच्चे हैं? चार बच्चे हैं। तो इसके बच्चे दो हैं, तो इनका आसानी से पेट भर जाता है और ये सुखी रहते हैं। और जो मिनी चीनी चिड़िया है, इनके चार बच्चे हैं और इन बच्चों का पेट नहीं भरता है, वो भूखे रहते हैं, तो दिन भर लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए वे दुखी रहते हैं। ये मिनी चिड़िया के कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। चीनी चिड़िया के कितने बच्चे हैं? चार बच्चे। अब आपको प्रश्नों के उत्तर बताना है। Yes. प्रश्नों के उत्तर बोलो। अब ये बताइए, मिनी चिड़िया के कितने बच्चे थे? दो। वेरी गुड। दो बच्चे थे मिनी चिड़िया के, दो बच्चे थे। और चीनी चिड़िया के कितने बच्चे थे? चार।
कितने बच्चे थे चीनी चिड़िया के? चार बच्चे। शाबाश। अब ये देखिए, मिनी चिड़िया चारा लेकर आती तो उसके बच्चे क्या करते थे? खाते थे। चूचू करके बड़े प्रेम से खाते और घोंसले में आराम से खेलते सोते थे। बोलिए आप लोग, चूचू करके बड़े प्रेम से खाते और घोंसले में आराम से खेलते सोते थे। अब ये बताइए, चीनी चिड़िया चारा लेकर आती तो उसके बच्चे क्या करते थे? खा लेते थे। ये देखिए, चूचू चीची करके चीनी चिड़िया जब चारा लेकर आती तो उसके बच्चे चूचू चीची करके खाते और मेरे साथ बोलिए, चूचू चूचू चीची चीची करके शोर मचाते तथा दिन भर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। क्यों लड़ते झगड़ते रहते थे? उनका पेट नहीं भरता था, तो आपस में वो लड़ते झगड़ते रहते थे। अब ये बताइए, किसका परिवार सुखी था? किसका परिवार सुखी था? मिनी चिड़िया का। हाँ, वेरी गुड। मिनी, बोलिए मेरे साथ, मिनी चिड़िया का परिवार छोटा था। क्योंकि वो छोटा था इसलिए सुखी था। बोलिए, मिनी चिड़िया का परिवार सुखी रहा। किसका परिवार दुखी था? चीनी चिड़िया का। वेरी गुड। चीनी चिड़िया का परिवार दुखी था। चीनी चिड़िया का परिवार दुखी था। तो दुखी था क्योंकि वो बड़ा परिवार था। चीनी चिड़िया का परिवार बड़ा था इसलिए दुखी था, और मिनी चिड़िया का परिवार छोटा था इसलिए सुखी था। अब बताइए, मिनी चिड़िया के परिवार के सुखी होने का क्या कारण था? उसके दो बच्चे थे, उसको थोड़े दिन का पेट भर जाता था। हाँ, वेरी गुड। दो बच्चे थे। हाँ, मिनी चिड़िया का परिवार ढेर सारे थे, उसको का पेट नहीं भर पाया। हाँ, बोलिए मेरे साथ, मिनी चिड़िया का परिवार छोटा था इसलिए सुखी था। मिनी चिड़िया का परिवार छोटा था, इसलिए सुखी था। अब ये बताइए, चीनी चिड़िया के परिवार के दुखी होने का क्या कारण था? क्योंकि उनका पेट नहीं भरता था। उन लोग चार थे,
वेरी गुड वेरी गुड। चीनी चिड़िया का परिवार, बोलिए। चीनी चिड़िया का परिवार बड़ा था, बड़ा था, इसलिए दुखी था, इसलिए दुखी था। हाँ, चीनी चिड़िया का परिवार, चीनी चिड़िया का परिवार बड़ा था, बड़ा था, इसलिए दुखी था, दुखी था। अब आगे देखिए, अब ये जोड़ियां मिलाना है आपको। हाँ, अब आपको ये जोड़ियां मिलाना है। ये लिखा है चीनी, मिनी, महुआ, आम। अब ये बताइए कौन सा घोंसला है जिसमें चीनी चिड़िया है? यस, चीनी चिड़िया का कौन सा घोंसला है? आगे वाला। हाँ, ये देखिए, ये वाला जो है ये चीनी चिड़िया का घोंसला है, क्योंकि इसके चार बच्चे हैं, है? और ये लिखा है मिनी, तो मिनी चिड़िया का कौन सा घोंसला है जिसके दो बच्चे हैं? मिनी के दो बच्चे थे ना, मिनी चिड़िया के, तो अब हम लोग ये मिनी चिड़िया का घोंसला है। आम। अब ये बताइए ये क्या लिखा है? महुआ। महुआ क्या लिखा है? ये महुआ, महुआ का कौन सा पेड़ है? लास्ट वाला। वेरी गुड, ये महुआ का पेड़ है। अब ये देखिए ये क्या लिखा है? आम। आम का पेड़। आम का ये सेकंड नंबर वाला जो है ये आम का पेड़ है। तो चीनी चिड़िया के चार बच्चों वाला घोंसला है, और मिनी चिड़िया का घोंसला दो बच्चों वाला जो घोंसला है वो मिनी का है। अब आगे देखिए, ये देखिए, ये एक बच्चा है, मालूम है कौन है ये? हम लोग आगे भी पढ़े, आनंद है ये। आनंद, हम लोग आगे पहले भी पढ़े चुके हैं ना, ये आनंद है और ये खुशी है। ये जो आनंद है ये पूछ रहा है कि मिनी चिड़िया का परिवार सुखी क्यों था। आनंद पूछ रहा है कि मिनी चिड़िया का परिवार सुखी क्यों था, और ये जो खुशी है ये पूछ रही है कि चीनी चिड़िया के बच्चे क्यों लड़ते झगड़ते थे। चीनी पूछ रही है कि ये खुशी पूछ रही है कि चीनी चिड़िया के बच्चे क्यों लड़ते झगड़ते थे। तो आनंद पूछ रहा है कि मिनी चिड़िया का परिवार सुखी क्यों था, तो बता रहा है आनंद, बोलिए मेरे साथ, मिनी चिड़िया के, बोलिए सब लोग, मिनी चिड़िया के, मिनी चिड़िया के दो बच्चे थे, दो बच्चे थे, उनका परिवार, उनका परिवार छोटा था, छोटा था, लिए ये सुखी थे, इसलिए वे सुखी थे। देखो मिनी चिड़िया जो भी खाना लाती थी वो अपने दोनों बच्चों में बांट देती थी, तो उनके दोनों बच्चों का पेट भर जाता था और वो आराम से रहते थे अपने घोंसले में।
इसलिए उनका परिवार सुखी था। उनका परिवार सुखी था। हाँ, मिनी चिड़िया जो भी खाना लाती थी अपने दोनों बच्चों में बांट देती थी, इसलिए उनका परिवार सुखी था, क्योंकि वह छोटा परिवार था। चालू है। वह छोटा परिवार था इसलिए वह सुखी था। मिनी चिड़िया का परिवार जो था वो छोटा था इसलिए सुखी था। और खुशी पूछ रही है कि चीनी चिड़िया के बच्चे क्यों लड़ते झगड़ते थे? क्योंकि उनका पेट नहीं भरता था। हाँ, आप खुशी बता रहे पेट नहीं भरता था इसके लिए। हाँ, खुशी कह रही है चीनी चिड़िया के, बोलिए मेरे साथ, चीनी चिड़िया के, चीनी चिड़िया के चार बच्चे थे, चार बच्चे थे, चार बच्चे थे, उनका परिवार बड़ा था, बड़ा था, बड़ा था, चारों बच्चों का, चारों बच्चों का पेट नहीं भरता था, पेट नहीं भरता था, वे चारों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, इसलिए वे दुखी थे। अच्छा, ये बताइए, कम बच्चों वालों का परिवार सुखी रहता है कि ज्यादा बच्चों वालों का परिवार सुखी रहता है? छोटे बच्चे वाले का परिवार सुखी रहता है, बड़े बच्चे वाले का नहीं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जिस परिवार में कम बच्चे रहते हैं उनका परिवार सुखी रहता है, और जिस परिवार में ज्यादा बच्चे रहते हैं तो जो भी चीजें आती हैं, जो भी सामान आता है वो चारों बच्चों में बढ़ जाता है, तो कम कम मिलता है। और जब बच्चे कम रहते हैं तो ज्यादा ज्यादा मिलता है, जो भी खाने पीने का सामान आता है। तो जहाँ कम बच्चे रहते हैं वो परिवार सुखी रहता है, और जहाँ ज्यादा बच्चे रहते हैं वो परिवार दुखी रहता है। कि आपको कहानी समझ में आई ना, सुखी परिवार दुखी परिवार की? अब ये देखिए, आज आपका ये गृहकार है। गृहकार में लिखा है वाक्य पढ़ो और लिखो। वाक्य पढ़ो और लिखो। इस घोंसले में आपको कौन सी चिड़िया दिख रही है? ये येलो वाली मिनी चिड़िया। मिनी चिड़िया के दो बच्चे थे ना, मिनी चिड़िया के दो बच्चे थे, तो इस घोंसले में मिनी चिड़िया का परिवार दिख रहा है। और ये लिखा है कम बच्चे सुखी परिवार। क्या लिखा है? कम बच्चे सुखी परिवार। कम बच्चे सुखी परिवार। अब आपका घर काम में आपको ये पूरा वाक्य अपनी कॉपी पे लिखना है, पूरा पेज भर के। कम बच्चे सुखी परिवार। क्या लिखना है? कम बच्चे सुखी परिवार। ये पूरा वाक्य आपको अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिखना है। कम बच्चे सुखी परिवार। ठीक है बच्चों? यस। हाँ, अब आज आपका यहीं पे ये लेसन समाप्त होता है। अब आपको आपकी दूसरी टीचर पढ़ाएगी। बाय टीचर। गृहकार पूरा अपनी कॉपी में लिखिएगा, कम बच्चे सुखी परिवार, पूरा पेज आप नोटबुक में भरेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ, चलिए बच्चों, बाय बाय। Bye, teacher. Bye, teacher. Assalamualaikum.